हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। टुडे वी विल स्टडी क्लास 8 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जायगोट, एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू फॉर्म अ बेबी एनिमल। पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, एनिमल्स के पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या निकलता है? एग निकलता है या ओवा निकलता है। ज्वाइनिंग टूगेदर, ये दोनों ज्वाइन होकर ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म और एग दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? एक फर्टिलाइज एग बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू फॉर्म अ बेबी एनिमल। और जायगोट जब आपका ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो आपका इम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है। इम्ब्रायो के बाद आपका फोटस बनता है, ठीक है। फोटस में बेबी के हाथ और पैर और मुंह, नाक, कान, गला, जितने भी हैं चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब फोटस बनता है, ठीक है, जायगोट से क्या बनता है? इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो से क्या बनता है? फोटस बनता है। फोटस में आप बच्चे के हाथ पैर अंग ये सब पहचान सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स बेबी आ जाता है। और फोटस आपका जब डेवलप हो जाता है तो क्या होता है? बेबी आपका आउटकम हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं टू फॉर्म अ बेबी यानी मल, ठीक है। तो आई थिंक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ स्टेप इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या स्टेप हैं जो कि शामिल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान? द मेल पैरेंट प्रोड्यूसिंग मेल गेमेट कॉल्ड स्पर्म। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल में? मेल पैरेंट क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। और मेल गेमेट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, फाइन। एंड द फीमेल पैरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड एग आर ओवा। और फीमेल पैरेंट क्या प्रोड्यूस करता है? आपका फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे एग कहते हैं या ओवा कहते हैं, ठीक है, या ओवम भी कहते हैं, फाइन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका स्पर्म रिलीज होता है। सेकंड स्टेप आपको क्या बताया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या रिलीज होता है? एग आर ओवा रिलीज होता है। थर्ड स्टेप क्या है? द स्पर्म इंटर्स इनटू द एग। अब स्पर्म कहाँ इंटर करता है? एग में इंटर करता है। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजन विथ, अब न्यूक्लियस स्पर्म का किसके साथ फ्यूज होता है? द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, एग साल की एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, ओके, टू फॉर्म अ न्यू सेल, और एक नया सेल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं, ठीक है। जायगोट क्या होता है? फर्टिलाइज एग होता है, फाइन। अब फोर्थ स्टेप क्या है? द जायगोट डिवाइड्स इनटू रिपीटेडली टू फॉर्म अ हालो ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। जायगोट से क्या लगातार आपका डिवाइड होता है जायगोट, ठीक है। हालो हंड्रेड, लगभग सैकड़ों हालो सेल बनते हैं, खोखले सेल बनते हैं, विच इज कॉल्ड इम्ब्रायो। इन्हीं सेल को क्या कहते हैं? इम्ब्रायो कहते हैं। जायगोट आपका रिपीटेडली डिवाइड होता है हंड्रेड सेल में, ठीक है, और इन्हीं हालो सेल में, ठीक है, खोखले सेल में, और इन्हीं सेल को क्या कहते हैं? इम्ब्रायो कहते हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है आपका? इम्ब्रायो ग्रोज एंड बिकम्स अ फोटस। अब इम्ब्रायो बड़ा होता है, ठीक है, ग्रो करके क्या बन जाता है? फोटस बन जाता है। फोटस में क्या होता है? इन विच ऑल द मेन बॉडी फीचर्स ऑफ द बेबी एनिमल है फॉर्म्ड। फोटस में जो बच्चा है, चाहे वो ह्यूमन का हो या फिर एनिमल्स का हो, ठीक है, फोटस में उसके आपके अंग डेवलप होने लगते हैं। दैट मीन्स उसके बॉडी पार्ट्स आपके डेवलप होने लगते हैं, जैसे लिम्ब है, फोरहेड है, ठीक है, माउथ है,
आपका हैंड है, फुट है, ये सब डेवलप होने लगते हैं फोटस में, ठीक है। फोटस ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू बेबी एनिमल। अब फोटस बड़ा होता है, फोटस बड़े होने के बाद, डेवलप होने के बाद आपका एक नया बच्चा आपका बर्थ हो जाता है जिसका, ठीक है, एक नए बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइन। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में क्या पढ़ेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन आर्गन से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो देखेंगे। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर्गन्स। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन से बना होता है, टेस्टिस से, ठीक है, स्क्रोटल सैक से, इपिडर्मिस से बना होता है, और स्पर्म से, स्पर्म डक्ट से, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस से मिलकर बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना होता है, ये जो आर्गन है टेस्टिस, स्क्रोटल सैक, इपिडर्मिस, स्पर्म डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड पेनिस, ठीक है, ठीक। नोट देखिए, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस, टेस्टिस में आपके 10 लाख स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, ओके। टेस्टिस वर्क मोर इफिशियंटली एट द टेम्परेचर स्लाइटली बिलो द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। टेस्टिस आपका दक्षता से या इफिशियंटली तब काम करता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर से बिलो हो, ठीक है। टेस्टिस तब वर्क करता है आपका इफिशियंटली जब बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बिलो हो या कम हो, ठीक है। सो दे आर हेल्ड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटल सैक, इसीलिए टेस्टिस कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, और स्क्रोटल सैक में होता है, ठीक है। टेस्टिस आपका कहाँ सिचुएटेड होता है, स्क्रोटल सैक में, जो कि बॉडी के बाहर होता है। फाइन। नाउ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे थे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं ये बता चुका हूं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन आर्गन से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैं फिगर के थ्रू ये कैसे वर्क करता है ये बताऊंगा आपको, ठीक है। ऊपर सबसे देखिए यूरेटर है, ठीक है, सबसे ऊपर यूरेटर है और ये यूरेटर ब्लैडर है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट सीधे कनेक्टेड है आपका, ये देख रहे हैं, ठीक है, पाइपलाइन जैसी, इधर से ये कनेक्टेड है। तो होता कैसे है इसका प्रोसेस देखिए, हमने आपको ये पहले बताया कि टेस्टिस कब वर्क करता है, ये टेस्टिस है, देखिए दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ओवल शेप में, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपके टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस इफिशियंटली तब वर्क करता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर लो हो, ठीक है। टेस्टिस आपका इफिशियंटली तब वर्क करता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर लो हो, इसीलिए बॉडी में आर्गन सिस्टम पूरा, ठीक है, रिप्रोडक्शन का है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बॉडी से अलग होता है, ठीक है, बॉडी के बाहर होता है, दैट मींस, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है देखिए, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टेस्टिस क्या करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकालता है, और ये मिलियंस ऑफ स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, इपिडर्मिस में, इपिडर्मिस में, ये देखिए स्पाइरल शेप है बगल में लगा हुआ, तो ये स्पर्म कहां इपिडर्मिस में स्टोर होंगे, इधर भी वही प्रोसेस होगा। यहां स्टोर होने के बाद आपका ये आपका स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक है, ठीक है, जिससे ये बंधा हुआ है, ठीक है, स्किन का बना होता है ये स्किन का, ठीक है, स्क्रोटल सैक इसे बोलते हैं। टेस्टिस आपका इसी में होता है, तो टेस्टिस जब आपका स्पर्म रिलीज करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, तो इपिडर्मिस में स्टोर होता है, फिर यहां से होते हुए कहां स्टोर होता है, ठीक है, ये कैसे जाता है, स्पर्म डक्ट से, ये देखिए पाइप जैसी है ना, स्पर्म डक्ट इसे बोलते हैं, स्पर्म डक्ट से कहां जाता है, सेमिनल के बाद, इधर से भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर ये सीधे कहां आता है, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के रास्ते आपका ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस है आपका, पेनिस से होते हुए आपका ये स्पर्म कहां चला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, मेल से आपका क्या निकला, स्पर्म निकला, स्पर्म रिलीज हुआ, ठीक है, पेनिस से, और ये कहां जाएगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, ठीक है, वहां पे ओवा निकलेगा, ठीक है, एक निकलेगा, उससे डिफ्यूज होगा तो एक सिंगल आपका फर्टिलाइज सेल बन जाएगा, ठीक है,
वो फर्टिलाइज सेल क्या करता है, जाइगोट कहलाता है। जाइगोट आपका डेवलप होगा तो इम्ब्रायो बन जाएगा, इम्ब्रायो डेवलप होगा तो फोटस बन जाएगा, ठीक है। फोटस में आपका बेबी आ जाता है, आप उसके हाथ पैर आंख कान नाक ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर फोटस डेवलप होता है तो बेबी आउटकम होता है। ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम था आपका। तो मैंने अभी आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया है, अगली क्लास में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगा, ठीक है।